भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के गुरुत्वीय क्षेत्र में एंट्री ले चुका है। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर बाहुबली चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस से सफल उड़ान भरी और अब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंचकर चांद के इलेक्ट्रिकल रूट में एंट्री ले चुका है, जिसमें सफर करते हुए स्पेस क्राफ्ट धीरे धीरे चांद के धरती के पास जा रहा है। लेकिन इसका आगे का सफर उतना आसान नहीं होने वाला और इस सफर में सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें ये 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की इनकोसिस करेगा। और इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन असफल हुआ था। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्यों चांद पर जाना इतना भयानक है और नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि 70 दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक से सारे मून मिशन बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी इन हर रहस्यमय बातों से पर्दा उठाएंगे, साथ ही आपको चंद्रयान 3 के बारे में कुछ नया और अनोखा बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पृथ्वी से चंद्रमा के पूरी तरह से गोलाई दिखाई देती है, वास्तव में चांद भी पृथ्वी की तरह अंडाकार है। चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 में चंद्रयान 1 मिशन ने चांद पर पानी की एक खोज की थी, लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि बड़े बड़े गढ़ों में बेहद ठंडे पत्थरों और बर्फ के रूप में मौजूद है। साथियों, चांद से जुड़ी ये रहस्यमय बातें ये भी है कि स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल ने अपने अध्ययन में यह बात खोज निकाली थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है कि जहां अमावस के दिन लोग काफी अच्छी नींद कर पाते हैं, वही पूर्णिमा पर उन्हें कम नींद आती है। हालांकि साइंस ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया और आज भी कुछ वैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, चांद की जमीन कुछ उबर खबर है और उसमें कई बड़े बड़े क्रिएटर यानी गड्ढे मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढे चांद की दक्षिणी ध्रुवों में मौजूद है। इस गड्ढे का डायामीटर 2500 किलोमीटर और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि एक के ऊपर एक करके 10 बुर्ज खलीफा समा जाए। इस गड्ढे की गहराई 8:2 किलोमीटर के आसपास है और यह पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और उपग्रहों में मौजूद गढ़ों में सबसे बड़ा गड्ढा है। माना जाता है चांद की धरती में पानी छुपा जा सकता है और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा ये पर हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मरकरी, मिथेन और सिल्वर जैसे मूलवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है।